हेलो दोस्तों आज मैं आपको लेंथ ऑफ ओवरलैपिंग जो हम करते हैं ना बार में लैपिंग प्रोवाइड करते हैं और उस बार को एक्सटेंड कर देते हैं ठीक है वो जो लेंथ है ना वो कैसे निकालते हैं मैं आपको बताया बताऊँगा जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा था कि कि मैं लेंथ ऑफ ओवरलैपिंग में जो स्टैंडर्ड कंडीशन होते हैं वो उस स्टैंडर्ड कंडीशन का यूज़ करके हम ओवरलैप की लेंथ कैसे निकालते हैं वो वो बताऊँगा और जो अलग अलग ग्रेड्स हम यूज़ करते हैं उस पर भी जो लैपिंग की लेंथ होती है वो डिसाइड की जाती है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा ऐसा मैंने कहा था आपको मैंने मैंने पिछले वीडियो में जो बताया था बेंट बेंटअप बार्स के बारे में ठीक है कटिंग लेंथ ऑफ द बेंट बेंटअप बार्स आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है आप वहाँ पर जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं ठीक है ठीके? तो तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को हम ठीक है तो देखो यहाँ पर मैंने एक बार पक देखो यहाँ पर जो बार है ना मैंने क्या किया है आ, जो हम स्टील बार यूज़ करते हैं ठीक है ए टी एम का ये बार मैंने पकड़ा है ठीक है और ये वाला जो बार है ना इसको मैंने इसको मैंने मुझको क्या करना है एक्सटेंड करना है तो मैंने क्या किया एक अलग सा ए टी एम का बार लिया इस, इसको यहाँ पर रख के यहाँ पर जॉइन कर दिया ठीक है और इसको एक्सटेंड कर दिया ठीक है तो यहाँ पर मैंने जो ये लेंथ पकड़ी है ठीक है मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये हमारी लैपिंग लेंथ होती है ठीक है लेकिन ये जो लेंथ होती है ना उसको हमें एक क्राइटेरिया होता है ठीक है फार्मूला होता है उस उसका यूज करके निकालना होता है ठीक है मान लीजिए कि आपने कुछ अलग ही लेंथ पकड़ ली मतलब कि यहाँ तक ही आपने ज्वाइंट दे दिया ठीक है यहाँ पर मैंने यहाँ तक लिया है ना आपने यहाँ तक ही दे दिया जब हम तो क्या होगा जब हम लोडिंग करेंगे तो एक तो यहाँ पर से यहाँ से वो बेंड हो जाएगा या क्रैक हो जाएगा ठीक है तो वैसा ना हो इसीलिए एक डिज़ायरेबल कंडीशन होती है ठीक है उस कंडीशन के थ्रू ही हमें उनकी जो लेंथ होती है ना वो प्रोवाइड करनी होती है ठीक है तो मैं आपको बता दूँ कि जो मिनिमम लैप हम देते हैं ठीक है बार में वो 175 सेवेंटी mm से ज़्यादा का होता है उससे कम नहीं होता थी। तो देखो ये हो गया तो पहले मैं आपको ये बता दू कि हम लैपिंग करते क्यों देखो अगर आपने, आ, आपने घर के छत पर देखा होगा मतलब कि आपको ऊपर भी कंस्ट्रक्शन करना है मतलब फर्स्ट फ्लोर आपका हो गया है और सेकंड फ्लोर आपको बनाना है तो वहां पर क्या हो, क्या होता है जो हमारे कॉलम होते हैं ना वहां पर हमने एक्स्ट्रा बार निकाल कर रखे होते हैं ठीक है थीके? उन बार को हमें क्या करना कर पड़ता है एक्सटेंड करना पड़ता है ठीक है ऑब्वियसली वो तो जो हमारी कॉलम की हाइट है उसे कमी हो गया ना तो उसको हमें एक्सटेंड करके बाद में कॉलम कास्ट करना होता है ठीक है तो वहां पर जो हम लैपिंग करते हैं ठीक है थीके? मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ ठीक है वहाँ पर ये नहीं कि हम कभी कभी स्लैब में भी करते हैं ठीक है थीके? बीम में भी करते हैं लैपिंग तो ये कंडीशन वहाँ पर भी अप्लाई हो सकती है ठीक है तो देखो उस कंडीशन में क्या होगा जो मैं, मैंने बताया कि आ, हम लैपिंग कर रहे हैं कॉलम के लिए देखो मैंने यहाँ पर दिखाते वक्त ऐसा दिखाया है मतलब कि इसके नीचे हम लैपिंग कर रहे हैं मतलब कि इसको एक्सटेंड कर रहे हैं तो ये इसके नीचे ऊपर अगल और बगल में तो नहीं आएगा इसके लाइन में ही आएगा तो ये मैंने दिखाने के लिए एक ऐसा दिखाया है लेकिन एक्चुअल में ये होता ऐसा है देखो ये हमारा बार है और इसको मैंने लैप किया है यहाँ से मतलब कि ये मैंने अलग सा बार यहाँ पर लगाया और इसको एक्सटेंड कर दिया देखो ये हमारा लैप जॉइंट ठीक है और ये यहाँ से बेंड हो गया और यहाँ से सीधा मतलब कि इसके लाइन में आ गया तो एक्चुअल में लैपिंग ऐसी होती है ये आपको बेटर समझ में आया इसलिए मैं साइड पर इसकी कुछ पिक्स निकाल कर मेरे ब्लॉग पे डाल दूंगा आप वहां पर जाइए और देखिए ठीक है तो चलो मैं आपको इसके जो लेंथ है ना उसके बारे में बताता हूँ ठीक है तो देखो हम अगर स्लैब में लैपिंग कर रहे हैं ठीक है तो स्लैब में क्या होता है फिफ्टी डी पर हम नॉर्मली लैपिंग करते हैं मतलब कि जो हमारी डायमीटर है ठीक है जो डा, जिस डायमीटर का हम बार यूज कर रहे हैं उसको हम फिफ्टी से मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है तो हमें उसकी जो लैपिंग की लेंथ है मतलब ये वाली लेंथ हमें मिल जाएगी और बिम में क्या होता है फोर्टी डी पर हम लैप करते हैं कहाँ पर अगर कॉम्प्रेशन जोन है ठीक है जो हमारा बार है वो कॉम्प्रेशन जोन में आ रहा है ठीक है तो वहाँ पर हम फोर्टी डी करते हैं अगर हमारा बार टेंसाइल जोन में आ रहा है तो वहाँ पर हम फोर्टी ट्वेंटी फोर डी पर लैप करते हैं ठीक है आपको ये कॉम्प्रेशन जोन और टेंसाइल जोन समझ में नहीं आएगा मैं आपको इसको अलग से बताऊंगा देखो यहाँ पर एक बीम बीम मैंने का, बीम का एक ड्रॉ किया है ठीक है अगर मैं कॉन्क्रीटिंग करूंगा ठीक है मतलब कि मैं यहाँ से कॉन्क्रीट डाल रहा हूँ तो देखो यहाँ से कॉन्क्रीटिंग कर रहा हूँ तो सडन सडन इम्पैक्ट होगा ठीक है तो इस वाले पोर्शन में क्या होगा कॉम्प्रेशन जोन क्रिएट होगा मतलब ये और ये बार क्या हो गया कॉम्प्रेशन जोन में चला गया और ये जो लोड यहाँ पर आ रहा है ठीक है ये लोड नीचे डिस्ट्रीब्यूट होगा इन वाले ये वाले बार में और ये वाला बार क्या करेगा इसके नीचे जो हमारा कॉलम है ठीक है ये बीम है ना इसके बीम के नीचे जो कॉलम है उस उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेगा मतलब कि ये ट्रांसफ़र करेगा तो यहाँ पर क्या हो गया टेंसाइल जोन आ गया ठीक है मतलब कि अगर मुझे यहाँ पर लैपिंग करनी है मतलब कि यहाँ पर मैं लैपिंग इस बार इस वाले बार के लैपिंग कर रहा हूँ तो टेंसाइल जोन के लिए क्या है ट्वेंटी फोर डी पर लैप है तो यहाँ पर मैं ट्वेंटी फोर डी का फार्मूला यूज़ करूंगा लैपिंग के लिए और यहाँ पर करना है तो मैं क्या करूँगा फोर्टी डी का यूज़ करूँगा ठीक है समझ में आ गया आपको तो देखो अब हम कॉलम के लिए देखेंगे कॉलम के लिए क्या होता है नॉर्मली फोर्टी डी फिफ्टी डी पर लैपिंग हम करते हैं ठीक है थीके? और हमें एज ए साइट इंजीनियर जो ड्राइंग हमें मिलती है ना ठीक है वहाँ पर मेंशन किया होता है कि हमें लैप लैपिंग की जो लेंथ लेनी है वो जो क्राइटेरिया है फोर्टी डी फिफ्टी डी सिक्सटी डी वो उन्होंने बताया होता है ठीक है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं इस वीडियो में ये जो ये तो स्टैंडर्ड कंडीशन हो गए और मैंने बताया था कि डिपेंडिंग अपॉन दी कंक्रीट ग्रेड्स डिपेंडिंग अपॉन द कंक्रीट ग्रेड्स भी हम क्या करते हैं लैपिंग uh, की लेंथ डिसाइड करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ देखो डिपेंडिंग अपॉन दी कॉन्क्रीट ग्रेड्स हम नॉर्मली क्या करते हैं एम फिफ्टीन एम ट्वेंटी एम ट्वेंटी फाइव ग्रेड का कॉन्क्रीट यूज़ के आर सी सी की कास्टिंग करते हैं ठीक है बीम कॉलम और स्लैप तो देखो अगर हम एम फिफ्टीन से कोई कॉलम कास्ट कर रहे हैं या बीम कास्ट कर रहे हैं ठीक है तो एम फिफ्टीन से हम अगर हम कास्ट कर रहे हैं और वहाँ पर हमें लैपिंग करनी है मतलब कि जो हम कास्ट कर रहे हैं देखो मान लीजिए कि हम बीम कास्ट रहे, कर रहे हैं ठीक है ये वाला जो बीम है हम एम फिफ्टीन से कास्ट कर रहे हैं और ये वाला जो बार है ये टेंसाइल जोन में आ रहा है तो टेंसाइल जोन के लिए हम एम फिफ्टीन में फिफ्टी फाइव डी पर लैपिंग करते हैं और कॉम्प्रेशन जोन में क्या होता है फोर्टी फाइव डी पर ठीक है कॉम्प्रेशन जोन में मतलब ये और ये वाला बार है ना यहाँ पर हम फोर्टी फाइव डी पर लैप जॉइंट प्रोवाइड करते हैं ये हो गया डिपेंडिंग अपॉन दी कॉन्क्रीट ग्रेड्स ठीक है मतलब कि एम फि एम फिफ्टीन के लिए हो गया अगर एम ट्वेंटी से कर रहे हैं तो टेंसाइल जोन के लिए फोर्टी सिक्स डी कॉम्प्रेशन जोन के लिए थर्टी सेवन डी और एम ट्वेंटी फाइव के लिए क्या होगा टेंसाइल जोन है तो थर्टी नाइन डी और कॉम्प्रेशन जोन है तो थर्टी टू डी ठीक है तो ये जो क्राइटेरिया है ये आप नोट डाउन कर लीजिए और आपने नोट डाउन करना uh, यहाँ पर से नोट डाउन तो कर ही सकते हैं और जो मैंने ब्लॉग बनाया है ठीक है वहाँ पर मैं ये डॉक्यूमेंट तो डाल ही रहा हूँ उसके साथ ये जो मैंने आपको बताया था कि इसके जो सैम्पल इमेजेस है वो भी डाल रहा हूँ ठीक है वहाँ पर जाकर आप ये सब डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है थीके? और बाद में नोट डाउन भी कर सकते हैं ठीक है थीके? तो आपको मेरा ब्लॉग पता है ना ठीक है मैं आपको एक और एक बार बता दूँ देखो ब्लॉग फॉर ये मैंने आपके लिए हम सब के लिए बनाया है सिविल ई एन जी के पी ब्लॉक पोस्ट डॉट कॉम यहाँ पर जाइए विजिट कीजिए ये जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है वहाँ पर जाकर आप ये सारे डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं और जो अगला वीडियो मैं बनाऊँगा ठीक है मैं सोच रहा हूँ कि मैंने मैंने जो बी बनाया था ठीक है बी फॉर बीम बनाया था बी फॉर स्लैब भी बना दिया लेकिन कॉलम का बी अभी भी बाकी है ठीक है तो कॉलम का बी के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ और कॉलम का बी ही अगला वीडियो में डाल सकता हूँ ठीक है तो ज़रूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आपको अलग अलग वीडियोस के अपडेट मिलते रहेंगे और थैंक यू फॉर वाचिंग